मुझे बता रखो का फंडा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा, मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं फुटो हूँ। इस मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे सिंध भी उतना प्यारा है जितना खैबर पख्तूनख्वा, जितना पंजाब, जितना बलूचिस्तान, इतना ही गिलगित बल्तिस्तान, इतना ही आजाद कश्मीर हमारे लिए प्यारा है। क्योंकि ये हम हमारी सोच के लोग हैं, हमारे नजरिए के लोग हैं, हमारे रिश्ते इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने कारकुन भुट्टो के चाहने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन नजरिया कभी नहीं मरता। इंसान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नजरिए नहीं मरते। आप अपनी नजरिए को स्ट्रांग करें, आप अपने नजरिए के साथ चलें कि आपकी सोच एक पाकिस्तानी की सोच होनी चाहिए और हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है। मेरा ताल्लुक इस सूबे से नहीं है, लेकिन मुझे फख्र है, मैं अपने आप को इस सूबे का कहती हूँ। ना सिर्फ ये कि मेरी शादी इस सूबे में हुई है, बल्कि मैं 30 साल से 1986 से बीवी के साथ लाड़काना आती थी। लेकिन जब मैं यहाँ की गलियों को देखती हूँ, यहाँ की सड़कों को देखती हूँ, और जब मैं फिर वापस इस्लामाबाद अपने घर जाती हूँ या बाकी सूबों को देखती हूँ, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए कि ये इंसान है सब यहाँ रहने वाले, ये कोई गली ये हैवान नहीं है, ये इंसान है इस मुल्क इस शहर में रहने वाले या इस सूबे में रहने वाले इंसान है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट का पैसा कहाँ लगाया जाता है किसी को कोई पता नहीं है, जिस तरीके से नौकरियों के लिए रिश्वतें ली जाती हैं, ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। तो मैं सिर्फ अदा आपको यही कहूंगी, आप नौजवान न सिर्फ ज्यादातर यहाँ नौजवान बैठे हुए जिन्होंने पाकिस्तान की बाग दौड़ को संभाला, आप पाकिस्तान का फ्यूचर हो, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आप अपने आप को ये मत समझे कि सियासत पे मेरा हक है, आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा हक है। उठो, अपनी आवाज बुलंद करो। एक शख्स कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है, जब वो कतरा कतरा जमा होगा तो वो दरिया बनेगा, और दरिया जब बनता है तो वो समंदर की शक्ल इख्तियार करता है, फिर समंदर की लहरों को कोई नहीं रोक सकता। अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो तो भुट्टो की सोच को अपनाओ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, जमहूरियत हमारी सियासत है। नजरिए को अपनाओ, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, जो जिसमें बीवी ने तीन नारे और ऐड किए थे कि इल्म रोशन, हम भुट्टो के नजरिए के बारे में, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है कि कौन है और कौन नहीं है। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि हम एक सोच के साथ चलने वाले लोग, मैं वही आप लोगों को नौजवानों को पार्टी सत्तर में ठही असा शेर हिंदुस्तानी में पैदा कर रहा जड़ी उन पार्टी ठाई भी थी तो असा जड़ी अज ये तकरीब मुनद क्यों था पे पार्टी के झंडे के नाले में ये मुनद क्यों था पे तो असा पे हक था समझ और उन हक जो इजहार करने के लिए समझा तो सब दोस्त भरी खड़ी असा जो इतनी तादाद में न भी हो पर जितनी भी तादाद में असा इतने जमा थे आयोजन वो दोस्त जो ये ना पड़ गया उन्होंने भी उन्हें दे दिया असा नहीं था ही 2013 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 2